नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक बार फिर एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और कल जिस तरह से हमने दिखाया था कि नगर परिषद किस तरह से एक से बढ़कर एक कारनामा करता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये नगर परिषद जो सिवान का नगर परिषद है ये पूरी तरह से बेलगाम हो चुका है। न किसी अधिकारी का डर है, न इस तरह के बड़े बड़े घोटाले जो हो रहे हैं उसका डर है। और हद तो तब हो गई जब कल तक साथ रहने वाले नगर परिषद के उप सभापति बबलू शाह ने एटीएन लाइव के कैमरे पे आकर के ये कह दिया कि 4 लाख 5 लाख का आइटम 16 लाख में पास करवाया जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं और इसकी सारी जानकारी जिला अधिकारी को दे दी गई है। अब उसी खबर की सच्चाई जानने के लिए एटीएन लाइव की टीम सिसवन ढाला पे यात्री शेड जिस पर विवाद खड़ा हुआ है, हम वहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे सामने ये स्टील का जो गेट है ये अभी निर्माणाधीन है, लेकिन आपको बता दें कि ये इस तरह का जो गेट है, हम जब दिल्ली वगैरह में पहुंचते हैं तो वहाँ सड़क के किनारे यात्रियों के बैठने के लिए, उन्हें अपने बस का इंतज़ार करने के लिए ये बनाया जाता है, लेकिन वहाँ की जो कीमत है, वहाँ जो इसका कीमत है, ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हम ऐसे व्यक्ति को लेकर के आए हैं जो हमेशा ही नगर परिषद के घोटाले को उजागर करता रहा है, इंतखाब अहमद। हम पूर्व नगर परिषद के पूर्व पार्षद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि इंतखाब जी, ये जो यात्री शेड इसको बोलते हैं, यात्री शेड ना आप यहीं रहिए, जो बन रहा है इस पर कई तरह के बवाल खड़ा हो गया, ये अभी तो निर्माणाधीन है। आप देखिए कि ये अभी बन रहा है, ये अभी कंस्ट्रक्शन में है, इसका काम चल रहा है, ये एक तरह से पूरी तरह से रेडीमेड व्यवस्था है जिसको ला करके यहाँ सिर्फ उसका पिलर पे खड़ा कर देना था और नगर परिषद ने यही किया है। लेकिन इसके पीछे जो घोटालों का खेल शुरू किया नगर परिषद ने, जो सिवान नगर परिषद की नियति बन चुकी है कि अगर कोई काम करेंगे उसमें बगैर घोटाला का कोई काम नहीं होगा, इस पर से पर्दा उठाने का काम करेंगे इंतखाब भाई। इंतखाब जी, आपने देखा कि यहाँ पे यात्री शेड बन रहा है, कल उपसभापति ने भी कहा कि इसमें घोटाला चल रहा है, ये 5 लाख 6 लाख से ज़्यादा का नहीं है, लेकिन इसे 16 लाख का बिल बना करके दे दिया गया है। वहाँ से कई जगह से, कई टेबल से ये पास भी हो चुका है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी को इसकी सूचना दी गई है और इसे रोकने का कि इसका पेमेंट ना करवाया जाए, उस पर कार्रवाई हो रही है। आखिर नगर परिषद को डर क्यों नहीं लगता है घोटाला, ऐसे ऐसे बड़े बड़े घोटाले करने में? देखिए, जहाँ तक रहा इस घोटाले के बारे में, अनेकों घोटाले हैं नगर परिषद में, अनेकों घोटाले हैं। बहुत ऐसा घोटाला का जो हम लोग पत्र लिखा है, जैसे मांग किया जांच का, हम लोग मीडिया को नहीं देते हैं, ये लोग चौकन्ना हो जाते हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्य इस देश के, इस सिवान के पदाधिकारियों का, बिहार के पदाधिकारी को, नगर विकास हो चाहे जिला पदाधिकारी हो, दुर्भाग्य कहिए इसको, कि आज तक इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। कार्रवाई एक पर भी होता ये डरते हैं। क्या कारण है इंतखाब जी, क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, यहाँ के सांसद जो हैं वो भी सरकार जदयू से आते हैं और यहाँ पे जो विधायक हैं वो बीजेपी से आते हैं, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद जो ये कहते हैं कि हमारे शासन में घोटाला नहीं होगा और यहाँ घोटाला पे घोटाला, घोटाला पे घोटाला, घोटाला पे, ये क्या चल रहा है? देखिए, आप इसका विस्तृत, हम इसका पूरा आपको मतलब एक आपको कच्चा चिट्ठा हम दे देंगे, कितना आवेदन हम लोग दिया, किससे नहीं मिला, यहाँ तक मुख्यमंत्री के दरबार में भी आकर हम लोग मिले हैं, गुहार लगाए हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों को नगर परिषद की FIR नहीं हुआ। जब FIR हुआ तो गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं
ये जिसको कह रहे हैं आप 16 लाख रुपया का, मेरे मित्र हैं दिल्ली में MCD में, उनका यही काम है कॉन्ट्रैक्टिंग लाइन का, उनका यही काम है और उसी यात्री सेट को बनाते हैं। हम आपसे बोले हैं कि एस्टीमेट उसको 1-2 दिन के अंदर मंगा देते हैं, हम मंगा कर वो दिखाएंगे। उनसे बात होने भी बताया कि यही यात्री सेट सिर्फ 2 लाख रुपया का वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है, इसका बनता ही है। यहाँ पर इसको क्या किया, देखिए एक रैकेट यहाँ चलता है, जैसे कि यहाँ पर जेम पोर्टल नाम की संस्था है, सरकार ने बनाया है, इसमें सब डमी बनाया है, लोग कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं और वो रजिस्ट्रेशन कराए हैं लोग सीमान के लोग, और ये लोग डमी डाल के इसी को कोई 18 लाख डाल दिया, कोई 17 लाख, कोई 16 लाख डाला। आप बताइए स्टील फ्रेम ये 16 लाख का हो सकता है, ये ईंट का काम कंक्रीट का काम है, का ये कंक्रीट जेम पोर्टल मिलेगा, जेम पोर्टल सिर्फ ये मिल सकता है, इसके आइटम ये तो बनेगा, योजना में आएगा, इसको बना रहे हम। आप बताइए आप और डिमेरिट देखिए, नाला यहाँ नहीं इस रोड में, इसके नाला का जगह भी नहीं छोड़ा गया, कल नाला बनता है फिर इसको तोड़ना पड़ेगा, फिर तोड़ना पड़ेगा, किसी लायक ही नहीं रहेगा। लेकिन ये सिर्फ पैसा कमा लूटने के लिए कहिए आप, एक मतलब कि ग्रुप बना के मतलब इसको लूटा जा रहा नगर पालिका को, हम लोग परेशान है देख कर, किससे फरियाद करें, कहाँ जाएँ। तो बाकी आखिर जो बाकी के पार्षद हैं, मान लीजिए कि यहाँ 2 गुट चलता है, पक्ष और विपक्ष, बाकी के पार्षद क्या कर रहे हैं, आखिर क्यों नहीं है ये आवाज़ उठ रही है। गुट की बात नहीं है यहाँ, ये है कि भ्रष्टाचार के साथ कौन है, भ्रष्टाचार के विरोध में कौन है, बात ये है, गुट नहीं है कि भ्रष्टाचार के विरोध में जो बोलने वाला सामने आए बोले, हमारा सीवान नगर में हमारा है, ये लूटा जा रहा है, हम बोल नहीं रहे, तो इसका मतलब कि भ्रष्टाचार के सपोर्ट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लूट जाए। अब एक 16 लाख का एक बन रहा है और 6 बना है, सीमा बनने जा रहा है, 96 लाख रुपये सुपर का हुआ, ये 1 करोड़ रुपया, आप बताइए कि 6 का मतलब हो गया 12 लाख रुपया, और 1 करोड़ रुपया इसमें निकलेगा, किसका पैसा जा रहा है हमारा। आप देख लीजिए नाली का कहीं सुविधा नहीं है यहाँ पर, नगर पालिका का मार्केट है देखिए क्या बुरा हाल है, जहाँ से आप 2-2, 3-3 लाख रुपये लोग 5-5 लाख रुपया दे के दुकान लिया है, उस बाजार को चलने का जगह नहीं, उसमें यहाँ रास्ता जाम है, पानी का नाला नहीं है, बोले इसको बेसिक जन सुविधाएं जरूरी है जनता को, जो जिससे आप टैक्स लेते हैं, हम टैक्स दे ही नहीं रहते, मतलब टैक्स पैसा लेकर सुविधा नहीं दे रहे हैं, इसका क्या काम है यहाँ पर। क्या उस शहर में इसको बनाया था स्टैंड को जहाँ पर लोकल बस चलती है, जैसे पटना में लोकल बस चलती जी, है जी, 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 दिल्ली में लोकल बस चलता है, चलती है जी, तो वहाँ पे यहाँ लोग खड़ा रहता है, बस आती है उसमें लोग बैठ जाते हैं, यहाँ कोई उस तरह की यहाँ बताइए कौन सा व्यवस्था यहाँ पर है कि लोकल बस चलती है कि शेड में आकर लोग बैठेगा। क्या इसको ये मान लिया जाए कि विकास जो जिसकी चर्चा हो रही है कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है और इस विकास में ही लूट का फंडा खोज लिया गया। देखिए आप उस तरह मत कीजिए, हम इसे सोचते हैं ये 1 करोड़ रुपया काम इसलिए किया गया है आने वाला विश्वास प्रस्ताव में बिकाऊ पार्षद को खरीदने के लिए, बिकाऊ पार्षद पहले से व्यवस्था चल रही है कि भाई पैसा का व्यवस्था कर लो ताकि कल खरीदना खरीद बिक्री किया जाए। बजट अभी से बना लिया लोग, 1 करोड़ रुपया हमारा आ जाएगा, कल जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो जो बिकाऊ पार्षद हैं जो भ्रष्टाचार को नहीं बिकेगा वो तो बिकेंगे, जो भ्रष्टाचार को नहीं बोलना है, जिनको जो मुंह बंद किए रहते हैं, हम लोग उस आदमी को डिस्करेज करते हैं, क्यों आप लिखते हैं क्यों बोलते हैं, उस आदमी को वो बेचाएगा और ये लोग खरीदेंगे उसको, इसी का स्कीम है ये, और इसमें थोड़ी है। तो ये आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जिला अधिकारी तक ये मामला पहुंचा है, ये रुकेगा, ये भ्रष्टाचार रुकेगा या फिर उस पैसे का बंदरबांट होगा। देखिए जिस तरह सीमांत के जिला पदाधिकारी महोदय पटना नगर निगम से आए, बहुत उम्मीद था हमको कि पटना नगर निगम से आए तो नगर निगम के बारे में जानकारी है, एक्ट की जानकारी है, सब कुछ जानकारी होने के बाद ग्रास रूट लेवल की बात ये सब जानते होंगे। 2-2 रिपोर्ट इनके पास पड़ा हुआ है, 49 लाख रुपया रोड का डिवाइडर का रोड का बना हुआ है, आपको जून में इसका रिपोर्ट जमा हुआ, कब अप्रैल सितंबर चल रहा है, 3 महीना से 49 लाख रुपया का रोड का आपको वो बढ़िया स्टैंड से मोड़ से बढ़िया मोड़ से तरवा रोड तक का आरोप प्रमाणित हो गया, जांच रिपोर्ट आप लोग भी देखें, स्पष्ट नम हो गया कि 49 लाख रुपया का इन्होंने जाली काम किया गया, जहाँ 11 इंच ढालना चाहिए था वहाँ 6 इंच ढाला गया, जो नीचे सीमेंट बालू डालना चाहिए था वो नहीं डाले, सब कुछ उत्पटांग काम किया गया इसको, उसके बाद भी उस पर आज 3 महीना से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, हम किससे उम्मीद करें। आप देखते हैं आप सीवान में कूड़ा गिराने डंपिंग जमीन के लिए 4 करोड़ में कूड़ा खरीदा गया जमीन, वो आज तक उसका पता नहीं है, आज तक पता नहीं, नहीं उसका जांच रिपोर्ट भी आ गया DM साहब टेबल पर है, उसका भी 3 महीने से टेबल पर रिपोर्ट पड़ा हुआ है, हम किसको अपने सरकार को कहें तो अपने पदाधिकारी को कहें, हमारा काम है लिखना मिलना बोलना, अनेकों बार बोल चुके हैं, मिल के लिख कर दे चुके हैं,
कार्रवाई नहीं हो रहा कैलाश जी, तो आप बताइए हम क्या करें। आपका काम है लिखना दिखाना, आप दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम मिल रहे हैं जहाँ। अब क्या आपको नहीं लगता कि अब जनता को भी इस तरह के घोटाले से, जो सिवान का पैसा है उनका अपना पैसा है, उनका अपना हक है, जिसे लूटा लगातार लूटा जा रहा है, जनता को भी अब आगे आना चाहिए? देखिए अब यही जन आंदोलन की जरूरत है, जनता ही को अब आगे आना होगा, जनता को आकर कलेक्ट्रेट को घेरना होगा, नगरपालिका को घेरना होगा कार्रवाई कराने के लिए, सत्ता खाली कराने के लिए। जब तक भ्रष्टाचारी लोग नहीं हटाएंगे, सिवान स्वच्छ सिवान नहीं बनेगा, इसको लूटता लोग रहेगा, कार्रवाई होना चाहिए। अब हमारा मतलब अभी न्यायालय बंद है, हाई कोर्ट खुलता है 24 के बाद, हम भी थोड़ा न्यायालय में काम स्टार्ट हो। हम एक जनहित याचिका दायर करने वाले हैं, तैयारी मेरी हो चुकी है, जनहित याचिका दायर करेंगे, अब सबको पार्टी बनाएंगे, जाहिर सी बात है। अब देखते हैं, न्यायालय पर उम्मीद है इन लोग से, किसी पदाधिकारी से हमको, इस सरकार से उम्मीद नहीं है, सच्चाई ये है। चलिए, आपने देखा कि इंतखाब अहमद से हमारी बातचीत हो रही थी और उन्होंने साफ शब्दों में, हालांकि थोड़ा मायूस हो चुके हैं यहाँ की व्यवस्था से, उन्होंने कहा कि कई महीने से घोटाले की कई फाइल जिलाधिकारी के टेबल में पड़ी हुई है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन एक आस इंतखाब अहमद के पास आज भी है कि वो कह रहे हैं कि अब जन आंदोलन की ज़रूरत है, और वो जनता अगर जाग गई तो जिस तरह से इंतखाब ने कहा है कि जिला समरणालय को वो घेरने का काम करेंगे ताकि इस तरह के घोटालों पे जिला प्रशासन की आंख खुले और वो कार्रवाई करें। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से नगर परिषद के उपसभापति कल वो चिट्ठी दिए और डीएम को उन्होंने इसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है कि किस तरह से यहाँ पे घोटाला चल रहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये नहीं रुका तो आगे अभी और भी बहुत सी परत खोलने के लिए वो तैयार हैं। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में, नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7-0-0-49-75-800।